नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशिका गुप्ता। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। लंबे समय के बाद नगर पालिका में हुई बोर्ड की बैठक, 10 करोड़ का बजट हुआ पास। बरेली, लंबे समय के बाद नवाबगंज नगर पालिका परिषद में हुई बोर्ड की मीटिंग, 10 करोड़ के हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास। सभासदों ने चेयरमैन का किया धन्यवाद। जिला बरेली के नवाबगंज नगर पालिका परिषद में काफ़ी लंबे समय से नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से नगर में आम चर्चाएं होने लगी थी कि विकास नहीं हो रहे हैं। नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती सहरा ताहिर के खिलाफ विभिन्न जांचों का सिलसिला लंबे समय चलता रहा, जिसकी वजह से चेयरमैन बोर्ड की मीटिंग नहीं बुला पाई। इसी के साथ नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति न होने की वजह से भी मीटिंग नहीं हो पाई। आज नगर पालिका परिषद नवागंज में जनता द्वारा चुने हुए 25 सभासद तथा सरकार द्वारा नामित 5 सभासद सहित 30 सभासद नगर पालिका परिषद की वोट की मीटिंग में बैठे सभासदों ने अपनी अपनी समस्याओं को मीटिंग में रखा और लगभग 10 करोड़ के विकास कार्य का प्रस्तावित सर्वसम्मति के पास हुआ, जिसको रोडों का निर्माण होना, सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो न पाना, पानी की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, नगर में CCTV का लगवाना सहित नगर के मोहल्ले क्वेश नगर में से बिजौरिया त्राहे तक जो रोड अधूरा पड़ा है, उस रोड को बनवाने का भी प्रस्ताव पास हुआ, जिसकी वजह से नगर के लोगों को परेशानी उठाना पड़ रही थी। तो वहीं चेयरमैन के बड़े बेटे ने अपनी माँ की सराहना करते हुए कहा कि मम्मी अब पूरी तरीके से एक्टिव है, अब नगर की सारी समस्याएं जल्दी ठीक हो जाएंगी। मीटिंग में नगर पालिका परिषद की चेयरमैन सहरा ताहिर के अलावा सभासद विनोद गुप्ता, अब्दुल हफीज, केशव गुप्ता, चेतन श्रीवास्तव, राकेश गंगवार, राजू गंगवार सहित सभी सभासद वोट की मीटिंग में उपस्थित रहे। ये सैला मैम, क्या कौन है? मैं इनका बड़ा बेटा हूँ। क्या कहना चाहेंगे राजनीति में जो चल रहा है? देखिए, हमारी मम्मी आज से नहीं, बहुत अरसे से राजनीति में है, और जिस तरीके से अब हमारे और बचे हुए साल हैं चेयरमैनी के, इंशाल्लाह अब जो है मम्मी इस नवाबगंज को, इस नगर को चमका देंगी, और पब्लिक की जिस तरीके से सहायता करनी होगी किसी भी स्तर पे, मम्मी अब तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं, और लोगों को अब हर तरीके की मदद मिलेगी, और जो जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो एक नगर को मिलनी चाहिए, मम्मी बिल्कुल तैयार हैं, प्रशासन शासन मम्मी का पूरा साथ देने को। क्या आप राजनीति में आएंगे? जी जी, अभी ये तो आगे वक्त बताएगा, अभी फिलहाल अपनी मम्मी के साथ खड़े हैं। किसी गंदगी चल रही है कस्बे में? जी जी, हाँ, ये तो सभी जनता के लिए परेशानी की बात तो है, लेकिन कुछ परेशानियाँ आ रही थी बीच में हम लोगों को भी, अब वो इंशाल्लाह सारी खत्म हो गई हैं, और आने वाले वक्त में एक एक चीज अब सुधरेगी, चाहे गंदगी को लेकर, चाहे नालों को लेकर, सफाई को लेकर, अब हर चीज बिल्कुल A1 रहेगी इस नगर के अंदर, और चाहे सैनिटाइज करने के ऊपर हो, और कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक में चाहे सैनिटाइज करना हो इस नगर को, और लोगों को जो भी बेसिक फैसिलिटी, मास्क और हर चीज जो प्रोवाइड करनी है, वो अब हमारी मम्मी प्रोवाइड करवाएंगी लोगों के। ठीक है, थैंक यू सर, वेलकम। मैडम, कल जो बोर्ड की मीटिंग हुई है, उसमें क्या क्या प्रस्ताव पास हुए हैं, थोड़ा जानकारी दें? उसमें रोडों के भी हैं, पानी की व्यवस्था है, नल है आपके, प्रकाश व्यवस्था है, सफाई का अभियान है, सब विकास कार्य। अमाउंट कितना? अमाउंट अभी प्रक्सी माउंटेन की इसको जोड़ा नहीं गया है, अब जो एस्टिमेट बनेगा वो है, लेकिन लगभग लगभग 10 के आसपास। 10 करोड़ जी। जिस तरीके से कैमरों की बात चल रही थी, कब तक कैमरे लग जाएंगे, कहाँ कहाँ पे कैमरे लगेंगे? जगह हम चिन्हित कर लेंगे जी, मुख्य मेन चौराहे कहाँ कहाँ है, वहाँ वहाँ हो जाए, लग जाएंगे। मैम, आए दिन ठेके कर्मचारी जो हड़ताल पर बैठते हैं, उनकी सैलरी का क्या रहेगा? जो सर जी, देखिए, हड़ताल, अगर वो काम नहीं करेंगे, हड़ताल पर बैठेंगे, तो उस समय का उनका वेतन का पीरियड, उनका वेतन कटेगा जी, अगर काम नहीं करते हैं वो, तो बाकी उनका देख लेंगे सबका। कुछ कर्मचारी हैं जिनका करीब 2 साल से वेतन नहीं मिला है, उसके विषय में वार्ता चल रही है, तो कब तक उनका जारी हो सकता है वेतन? जल्दी करवा देंगे। जी, फैमिली को लेकर जो मतभेद चल रहा है उसके बारे में? फैमिली के विषय में मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगी, ये मेरा अपना फैमिली मैटर है, मैं इसको अपने पॉलिटिकल में इन्वॉल्व नहीं करना चाहूँगी, ना इस पर कोई टिप्पणी करना चाहूँगी। नहीं, आपकी चर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चल रही है काफ़ी नवाबगंज में, उसके बारे में क्या सच्चाई है? उसके बारे में सच्चाई है, थोड़ा आप समय रखिए, समय दीजिए, धीरज रखिए, परिणाम आपके सामने होंगे। ठीक है मैम, शामिल हो सकती हैं या खाली अफवाह है ये? कुछ भी हो सकता है।
थोड़ा धीरज आपको धरना पड़ेगा, उसके बाद परिणाम आपके सामने ही होंगे। जो भी होगा वास्तविकता सबके सामने निकल के आएगी, कोई भी चीज़ें छुपी नहीं रह सकती। मैम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब की तबीयत का क्या है इस समय, आप चर्चा? मैं उनके संपर्क में नहीं हूँ तो आई डोंट नो, उसमें मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहती, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मैं चाहती हूँ कि मैं सभी सभासदों का, सारे समस्त 300 सभासदों का, नामित और निर्वाचित सब सभासदों का धन्यवाद करना चाहती हूँ इस मीटिंग के लिए, जो उन्होंने सहयोग करके इसको सफलपूर्वक बनाया। ठीक, हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।